देहरादून में आज श्री अन्न महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इस महोत्सव को चलाया जाएगा और इस महोत्सव में आप देख सकते हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पे छात्र देखे जा सकते हैं, महिलाएं मौजूद हैं और कई तरह के किसान जो है दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ तमाम तरीके के स्टॉल लगे हैं जिनमें कि सरकारी विभाग के स्टॉल्स भी मौजूद हैं, कृषि विभाग है, यहाँ पर उद्यान विभाग है, मत्स्य विभाग भी मौजूद है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महोत्सव का आज शुभारंभ किया। और देख आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस किस तरीके के स्टॉल लगे हैं, थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ मौजूद है और देखा जा सकता है कि पहाड़ी जो उत्पाद हैं यहाँ पर वो देखे जा सकते हैं। ये क्या चीज़ है आप इसके बारे में? ये हल्दी है, पहाड़ी हल्दी है। अच्छा, और इसका जो कर्क्यूमिन वैल्यू है वो 3.7 तक है। ये हमारी अपनी उत्तर का कर्क्यूमिन लेवल है। जी जी, ओके। एक और आपको एक अद्भुत चीज यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। अभी यहाँ पर काफी छात्र मौजूद हैं। आप ये देखिए, ये काली हल्दी इसको कहा जाता है। ये किस तरीके की हल्दी है आप बताइए इसके बारे में? इसका मेडिसिनल उपयोग है और ये एंटी कैंसर है, एंटी ऑक्सीडेंट है और जलन वगैरह में बहुत सारी चीजों में इसका। कहाँ होती है इसकी पैदावार, कैसे पैदावार? जंगली हल्दी है और अभी हमने एक प्रयोग किया कि हमने करीब 50 किसान जनपद उत्तरकाशी के डुंडा विकास खंड में 50 किसानों को ये 5-5 किलो दी है। तो अभी ये जो बीज भी है ये हम उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में पैदा करें। इसकी लागत कितनी आती है? इसकी लागत, इसको हम बीज 1,000 रुपये किलो बेच रहे हैं और इसका पाउडर जो है लगभग 5,000 रुपये किलो है जो मार्केट उसका। 5,000 किलो? जी 5,000। क्या खासियत है? ये मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, ये बहुत सारी दवाइयों में। किसान अगर इसको बोए तो उसको क्या लागत आती है? क्या कोई भी पहाड़ का किसान इसको बो सकता है? सर लागत तो सबसे पहले तो किसान को एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि पहाड़ों में हर एक जगह जंगली जानवर बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं और हमारी जो पारंपरिक फसलें थी उनको उगाना और उनको वो करना हमारे लिए दुश्वार हो गया है। ये हल्दी का जंगली जानवर दूर रखती है? स्थिति में अगर हम इसको करते हैं तो इसको जंगली जानवर बिल्कुल नुकसान नहीं करते हैं, जो सुअर वगैरह पूरा नुकसान कर रहे हैं तो उनसे भी बचा जा सकता है, किसान अच्छी लागत इससे। और क्या क्या उत्पाद हैं इसके अलावा आप दिखाइए जरा। ये मिलेट्स हैं, ये हमारा गोदा है, झंगोरा है, ये रागी जो मिलेट चल रहा है, इस तरीका है, ये इसको हमने घराट में पीसा है। इससे 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 क्या क्या फायदा होता है, किस तरह से? जैसे रागी है तो रागी के फायदे के बारे में, ये घराट का पिसा हुआ है। सर इसके एक तो न्यूट्रिशन, जो भी रागी में जो भी न्यूट्रिशन रहते हैं वो बरकरार रहते हैं घराट से पीसने में। और ये इंटरनेशनल मिलेट वर्ष चल रहा है तो इसके साइंटिफिक वैलिडेशन तो पूरे विश्व में आज सबको पता है कि इसके क्या क्या फायदे हैं और घराट से पीसने से इसके न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो और ज्यादा बरकरार और ये बहुत अच्छा हो जाता है इसकी गुणवत्ता। आगे और दूसरे काउंटर्स पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और दूसरे किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे छात्र जो है वो पहाड़ के दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ नजर आते हैं, आ रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? दून बिजनेस स्कूल। और यहाँ पर आज आप लोग किसी फेस्ट के लिए आए हैं, ग्रुप उसमें आए हैं, कैसा लग रहा है? स्टॉल लगा है वहाँ पर। इसमें क्या है स्टॉल में? आप इम्पोर्टेंस के ऊपर हम लोग ने पूरा मॉडल्स और पोस्टर्स वगैरह बनाए। क्या क्या सीखने को मिला आप लोगों को, कुछ बताइए? हमने यहाँ पे, जैसे अब हम यहाँ पे आए हैं तो उत्तराखंड के कौन कौन से प्रकार के नमक होते हैं अभी हमें इन सब में बताया। जैसे मैं तो उत्तराखंड से हूँ पर मेरे दोस्त बाहर से हैं, उन लोगों को इस बारे में नहीं पता था पर उन लोगों ने इस चीज से जाना तो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति आगे बढ़ रही है। तो आपने बताया अपने फ्रेंड्स को कि क्या क्या चीजें हैं? इनका ये स्टॉल है तो इन्होंने हमें बताया कि किस किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे से यूज कर सकते हैं, किस किस चीज से बनते हैं। तो आप आगे आइए, सबसे खास चीज क्या है आपके यहाँ पर? पहाड़ी नमक है, ये सिलबट्टे में प्रोसेस होते हैं तो सिलबट्टे में बनते हैं, 55 प्रकार के सॉल्ट बनाते हैं जिसमें रॉक सॉल्ट का उपयोग होता है और पहाड़ के है। इसमें पहाड़ी नमक, ये सारे पहाड़ी नमक है, इसमें 12 फ्लेवर्स तो इसमें है एक साथ लगे हुए हैं, सैंपल किट होती है अलग अलग फ्लेवर से और इसके अलावा इन्हीं के बड़े पैकेट है तो इनमें से पहाड़ी नमक है, जैसे पीली मिर्च है, लाल मिर्च है, पुदीना है, भांग है, भरिंगरा है, ये इनके बड़े पैकेट्स हैं, जैसे गार्लिक धनिया है, ऐसी गार्लिक तिमूर। पर पैकेट और एवरेज इसकी क्या कॉस्ट आती है किसी को खरीदना हो? पर पैकेट जैसे ये 10 रुपीज का सर पैकेट है एक, ये 120 रुपीज का पैकेट है और ये जो अलग अलग पैकेट है अलग अलग है, कोई 60 का है, कोई 80 का है। पहाड़ में किसानों के लिए आसानी होती है इसको बना के बेच? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान होती है। अभी तक हम लोग 300 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेन कर चुके हैं। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था 2013 में तब कोई नहीं था इसको करने वाला, आज कम से कम
500 से ज्यादा लोग इसको बेच रहे हैं और अपनी आजीविका कमा रहे हैं। 60 महिलाओं तो हमारे पास ही नौकरी में है, जो आपका मेन सेंटर नैनीताल में है। हाँ, मेन सेंटर नैनीताल में है, वहाँ पर हमारे पास 5 स्टोर्स हैं अलग अलग और अभी 800 स्टोर से ऊपर ये माल बिक रहा है। देहरादून में हमारे 12 स्टोर्स हैं, जिसमें से एक मेगा स्टोर जो है वो 6 नंबर पुलिया डोबल चौक के पास में है और बाकी अपना बाजार और इस टाइप से रिटेल शॉप्स बहुत सारी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समय हम हिमफला प्राइवेट लिमिटेड नैनीताल के स्टॉल पे थे, आगे दूसरे स्टॉल पे बढ़ते हैं। रॉयल हिमालयन फूड्स कोटद्वार से हैं। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कहाँ से हैं? मेरा नाम अतुल रावत है और हम लोग कोटद्वार से हैं। दो ब्रांड है हमारे, एक हिम मधु है, हिम का मतलब हिमालय और मधु मतलब हनी, तो हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम बहुत सारे। और दूसरा एक हमारा ब्रांड है पहाड़ी स्वाद, जिसमें पहाड़ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रॉपर पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग कर रहे हैं। आजकल शहद में हम देखते हैं कि काफी मिलावट की खबरें आती हैं, किसी शहद में चीनी होती है, किसी शहद में जो गुणवत्ता है वो सही नहीं होती है। तो आप कैसे दावा करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है और पहाड़ में किसान किस तरीके से बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं शहद? हम लोग, हमारी लिमिटेड क्वांटिटी है, हम नॉर्मल मार्केट में सेल नहीं करते, कुछ हमारे लिमिटेड कस्टमर्स हैं उन्हीं को हम देते हैं। तो क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है तो क्वालिटी मेंटेन रहती है। शहद किस किस तरीके के हैं और सबसे बढ़िया आपका क्या प्रोडक्ट है, आप दिखाइए। कई तरह के शहद है हमारे पास, मल्टीफ्लोरा शहद है, इसके अलावा हमारे पास ये हनी कोटेड कैश्यूज हैं, इनको आप पेस्ट भी कर सकते हैं और ये हनी में रोस्ट हुए हैं। इसके अलावा हनी चटनीज है हमारे पास, हनी मुरब्बा है हमारे पास और हनी के बहुत सारे ब्लेंड्स हैं। हनी के अंदर हमारे पास हनी विद जिंजर है, हनी विद आंवला है। तो हमारा होल आइडिया है कि शुगर को रिप्लेस करके हम हनी में आपको प्रोडक्ट बना के दें। तो शहद को बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्या एक आम आदमी अपने घर में शुरू कर सकता है, एक आम किसान अपने घर में शुरू कर सकता है पहाड़ में? हाँ, एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है, तो आप 2-3 बक्से से बॉक्सेस आप लगा सकते हैं और वहाँ से आप अपना काम शुरू कर। 2-3 बक्से में कितना शहद बना लेगा एक महीने में? एक महीने में नहीं, एक क्वार्टर में वो बना सकता है। क्वार्टर में लगभग वो 20-25 किलो शहद निकाल लेगा। 20-25 किलो शहद निकाल लेगा, वो डिपेंड करेगा फ्लावरिंग के वक्त, कितनी फ्लावरिंग है उस एरिया में। अगर फ्लावरिंग अच्छी है तो बहुत और ज्यादा भी हो सकता है, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो बक्से मल्टीप्लाई होते जाएंगे जैसे जैसे। तो देखिए, तमाम यहाँ पे स्टॉल्स हैं, कोटद्वार से है, नैनीताल से है, उधर उत्तरकाशी टुंडा से है, अभी हमने आपको दिखाया काली हल्दी। जिस तरह से कोटद्वार से शहद के कई तरीके के उत्पाद यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मिलेट्स की बात हो रही है और मिलेट्स जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, जैसे उत्तराखंड के झंगोरा मंडुआ ये काफ़ी सबसे ज़्यादा प्रचलित पहाड़ों में, हालांकि इनको पहचान जो है वो बाहर अभी मिलना बाकी है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उत्तराखंड ऋषिकेश में बन रही है। बातचीत तो और करने की कोशिश करते हैं लोगों से। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? आदित्य जी, मैं केरला से। केरला से हैं आप, ऋषिकेश में आप कर रहे हैं इन चीज़ों का काम? मतलब पार्टनर के साथ, हम 3 पार्टनर्स हैं यहाँ, चिया फ्लैक्स के उगाते हैं, कोऑपरेटिव बना के, फार्मर कोऑपरेटिव बना के हम यहाँ ऑर्गेनिकली बनाते हैं सीड्स के। हाँ जी, क्या क्या बनाते हैं आप, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? चिया और फ्लैक्स सीड्स हैं, सुपर फूड जैसे। कितने समय से बना रहे हैं? अभी तो रिसर्च 6 साल से बन रहे हैं, फिर अभी तो प्रॉपर प्रोडक्ट बन के 1 साल हो गए। और ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं आप? हाँ, ज्यादातर B2B चलते हैं, अभी कंज्यूमर भी प्रोडक्ट्स हमारे थोड़ा बहुत। देश में कहाँ कहाँ से आपके पास ऑर्डर आते हैं? ज्यादातर आंध्रा से बहुत आती है, ऋषिकेश में थोड़ा बहुत आता है, फिर साउथ इंडिया से। अच्छा, इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ऋषिकेश हो या पहाड़ में उत्तराखंड के कहीं हो, क्या क्या समस्या आती है, क्या गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? आई थिंक इलियास ज्यादातर उसका, यू कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रबल्स और व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस व्हाइल व्हेन यू हैव स्टार्टेड दिस एंड व्हेन इट वाज योर फर्स्ट डे, सो सिंस देन हाउ, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस्ड एंड हाउ डिड यू ओवरकम? सो द फर्स्ट चैलेंज इज रिगार्डिंग द अडॉप्शन ऑफ दिस क्रॉप विद स्मॉल स्केल फार्मर्स ऑफ उत्तराखंड। सो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एट द मोमेंट, people are migrating from the villages, there is a lot of problems with wild animals attacking crops, and the problem also is that the fields have a small scale, so it's very hard for them to achieve economies of scale. So this is the main problem that we faced. Sorry, I forgot to ask your name.
My name is Elias Maritan. I'm from Italy and I'm the co-founder of Super Farmers InnoVentures. From Italy. So when did you come to Rishikesh and you thought of settling down over here and start a business? I met my current business partner in 2016. I was just traveling around Rishikesh for yoga interest. And then we just met and we decided to start some project in farming. So we opened an NGO. We did some research with an Italian university in Chiarchi village near Rishikesh. And do you think that farmers of Uttarakhand have a potential? They can do a lot in their lives with millets? Yeah, millets definitely. It's one of the main crops, I think, that is grown in the hills. It's just that there is still this issue with wild animals attacking the crops. The millets are... Marketing also an issue because millets are not going out of Uttarakhand. They are being sold in Uttarakhand. It's not true. We sold 5 metric tons of millets to Tamil Nadu. We have a big buyer actually from Tamil Nadu and he's requesting more and more demand, and which we're not able to fulfill at the moment. So do you think that millets of Uttarakhand has a huge demand in overseas as well? Yeah, so this big buyer from Tamil Nadu is actually export oriented. He's already exporting to Europe and he has a demand of 450 metric tons over 5 months. Thank you. So, देखा आपने कि ऋषिकेश से इटली से भी एक किसान है जिन्होंने फैसला किया 2016 में कि वो ऋषिकेश में शुरुआत करें मिलेट्स को उगाने की, और देखा जा सकता है कि कितनी भारी भरकम भीड़ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद जिस तरीके से मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज को पॉपुलैरिटी मिली है उसके बाद हर कोई मिलेट्स के बारे में जानना चाहता है। उत्तराखंड की पहचान रही है, मंडुआ हो चाहे रागी हो चाहे झंगोरा हो, ये उत्तराखंड के मुख्य उत्पाद हैं और पोषण और फूड सिक्योरिटी को लेकर इस साल जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मनाया जा रहा है। अब आगे सरकार की कोशिश किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या उत्तराखंड के किसानों को इससे सीधा फायदा मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्साह काफी नजर आ रहा है। कैमरामैन अल बड़ून के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।